ये बाइक मैंने काफी टाइम पहले रिस्टोर किया था और अब मेरे को पड़ा उसमें फ्लाईओवर। आज हम कहीं जा रहे थे तो अब ये हमारे मोहाली में वहां पर ये दिखा मेरे को बाइक, तो मैं इनको रोक लिया, तो ये काफी खुश हैं। सर मेरा काम पीटर्स, आपका काम तो बहुत इतना बढ़िया है कि उसके बाद कोई काम नहीं चला इस पे। मैं उसके बाद 3-4 बार ले जा चुका हूँ। वाओ, ये मेरा चौथा बार। थैंक यू सो मच सर। ले से आ रहा हूँ उमलिंगला। अच्छा, इट इज ओनली 2 स्ट्रोक which has climbed Umlingla 19,024 feet. Achha. At 35 years of age. अभी मैं चढ़ के आ रहा हूँ, फोटो दिखाता हूँ। अच्छा, ये बाइक मैंने रिस्टोर की थी, इसकी वीडियो भी थी मेरे पास, तो मैं साथ में डाल दूंगा। ये उस टाइम पे मैंने हल्की बोल्ट वगैरह सब लगा के भेजे थे। सर कोई लीकेज वगैरह आई तब से लेके अभी तक? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस एक आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। ये सर यहाँ पर जाके आए हैं, ये देख लो, इस उमलिंगला 19,024 feet, वही आरक्षण। आज तक कोई माइकलाल 2 स्ट्रोक उसके ऊपर चढ़ा नहीं पाया। अच्छा, ठीक है, ये मेरा गोल्डन बाइक, आज ये ट्राई मारेंगे इसकी। ये तो बोल रहे हैं कि ये 100 रख लो, ये मेरे को दे दो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सुनो, नंबर बताया। हाँ, नंबर मैं आपको दे देता हूँ। मैं सोचा ऐसे ही आरक्ष ये बाइक ना मैंने काफी टाइम पहले रिस्टोर किया था, मेरे को टाइम तो याद नहीं। मैं बताता हूँ 2+2 6 years back, 5-6 years back, 5-6 साल पहले। और मेरे ख्याल 2020 के करीब होगा, 19-20 के करीब है। हाँ, 19 के करीब है, 2019 के करीब ये बाइक मैंने रिस्टोर किया था। और ये मेरे को आज, मैं अपने होम से चंडीगढ़ जा रहा था, इत्तेफाक से मिल गए हमें ये आज इत्तेफाक से मिल गए बंदे। तो इन्होंने, मैंने ये बाइक पहचान लिया कि मैंने इस पे काम किया है। तो ये अभी कितने बार ले जा चुके हैं आप? रिपेयर होने के बाद चौथा बार, और ये बाइक चौथा बार अभी उमलिंगला, जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, 19,004। अच्छा, और 2 स्ट्रोक, फर्स्ट 2 स्ट्रोक टू क्लाइम दैट। ओके, आज तक कोई 2 स्ट्रोक नहीं किया। 35 ईयर्स ओल्ड है, 89 मॉडल का। अच्छा अच्छा, चढ़ के आ रहा हूँ। सर एक बात और, जब से लेके अब तक कोई आपने इंजन में कोई काम? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई लीकेज वगैरह? जीरो, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मैंने कोई कुछ चेंज नहीं किया, साउथ पूरा घूमा। ये ले चौथा बार घूम रहा हूँ, मेरा आदत है जब मुझे छुट्टी मिलता है मैं चले जाता हूँ निकाल के, कि एक हफ्ता 2 हफ्ता, ये मेरा थोड़ा लंबा रहा 3 हफ्ते का। ओके सर, आपने ये गोल्डन 6 स्पीड चलाया, कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस? तो सर आपकी मतलब मोर देन मच बेटर देन मैंने जो सोचा था उससे। मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये ले जाऊँ और आप ही रख लो। चलो कोई बात नहीं सर, आज आपने राइड कर लिया। बोल रहा हूँ मैं, कोई अभी नहीं देता आपको। नहीं नहीं, ये मेरे, मैं अपने बेटे के लिए बनाया हूँ भाई। अरे फर्स्ट क्लास सर, ये मेरा बेटा है। और ये भी किसी को बेटे के लिए गिफ्ट हुआ है। अच्छा, मेरे फैमिली में किसी ने 10th के ऊपर पास नहीं किया। मैं पहले बार जब ग्रेजुएट बना, अच्छा, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था। ओके ओके ओके, तो ये देख लो भाई, मैं उस टाइम पे ये हल्की वोल्ट लगाए थे, तो कितने टाइम पहले इंजन बांधा था, ये देख लो, अभी के अभी ऐसे ही है, कोई लीकेज नहीं। यहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि ट्यूटियल जब चेंज करते हैं तो, नहीं ये ट्यूटियल वगैरह चेंज करते हैं तो फ्लो करते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज कोई लीकेज नहीं है इस बाइक में, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई तब से लेके अब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ। रिंकू सिंह, रिंकू यामा किंग, रिंकू यामा किंग, डू वेल। ओके, थैंक यू सर। ओके।